पीएम शामिल होंगे। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम और अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष में कार्यक्रम रखा गया है और जानकी कुंड परिसर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते पीएम मोदी नजर आएंगे और प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और सुबह करीब 12:45 बजे दिल्ली के विशेष विमान से खजुराहो पर पहुंचेंगे और यहां से करीब 12:55 पर हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और 1:40 पर चित्रकूट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं 2:45 बजे रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ आपको बता दें अरविंद भाई मफतलाल के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर, आज चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इसी के साथ चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। तो नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम रहने वाले, चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और आपको ये जानकारी दे दें कि ये अस्पताल में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो शुभारंभ है उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे कार्यक्रम में। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट जाएंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी के रहने वाले हैं आज चित्रकूट में? बिल्कुल कांची, देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जो है खजुराहो के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका चार्टर्ड प्लेन लैंड होगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से पीएम मोदी चित्रकूट रवाना हो जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संत भी कई शामिल होने वाले हैं। कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। खजुराहो से सीधा चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर चित्रकूट में संत रामभद्राचार्य के ट्रस्ट के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। अस्पताल का उद्घाटन है और प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम आज संतों के बीच रहने वाले हैं। तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश चित्रकूट में दौरा और जो है संतों से मुलाकात, तो कहा जा सकता है कि एक बेहद अहम आज माना जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी रहने वाला है, तो कहा जा सकता है कि सनातन के प्रति जिस तरीके से रामभद्राचार्य लगातार देश को जागरूक करते रहे और उनके शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जो है संतों को आगाज करते रहे और देश दुनिया तक अपनी जो है सनातन की बात पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने सनातन की बातों का जिक्र किया था। जिस तरीके से स्टालिन ने जो बयान दिया था उसको पलटवार करते हुए सनातन की कई बात कही थी, तो आज कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी अहम रहने वाला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के लेकर कई अहम बातें जो है आज रखेंगे। अरविंद भाई मधुपाला के आज जो है 100वां जन्मदिन है और हर साल जो है चित्रकूट में मनाया जाता है गांठ के रूप में, लेकिन 100वां उनका जन्म शताब्दी वर्ष समारोह है, तो इसके चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। जी चेतन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट के दौरे पर रहने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में